जिंदगी अभी भी झोपड़ी में ही बीत रही है ना भैया, 10 साल से आप बना रहे हैं। जी मैडम। इनकी ओट की लाली जो है उससे ये लग रहा है कि ये माता अभी कुछ बोल ही देंगी। नाम कमा ले माता रानी। कितने दिन में भैया तैयार होती हैं मूर्तियां, जैसे ये 1, 2, 3 ऐसे मूर्तियां, एक मूर्ति कितने दिन में? हमको करीबन 2 महीने तो लगे जाता है। माता जी को इसलिए बनाते हैं ताकि हम नाम कमाना चाहते हैं। असल में अगर ये यहाँ पर होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसको छू ले। ये भी लड़का बनेगा पत्रकार, ये तब से रिकॉर्ड कर रहा है हमारी बातचीत। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। नवरात्रि आ रही है तो माँ दुर्गा का पूजन शुरू होने वाला है, पंडाल लगने लगे हैं चौराहों पर। अब आप ये सोचिए कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद किसको नहीं चाहिए, सब माँ दुर्गा का आशीर्वाद चाहते हैं, बड़ा बड़ा पूजन ओजन कराते हैं। अब आज हम आपको दिखाएंगे कि माँ दुर्गा को बनाने वाले जो ये मूर्तिकार हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है। ये वो मूर्तिकार हैं जो माँ दुर्गा को खुद ही रचते हैं, खुद ही बनाते हैं और हम उस माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं। हम वो सारे वर मांग लेते हैं जो शायद इनके ज़िंदगी में कभी पहुँच भी नहीं पाता है। हम कहते हैं बड़ी वाली गाड़ी मिल जाए, एक अच्छा सा बंगला मिल जाए और न जाने क्या क्या मिल जाए। हम अपनी जरूरत के अनुसार चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं। आइए भैया, अब यहाँ आपसे बतियाते हैं। देखिए इतनी खूबसूरत सी मूर्तियाँ भैया तैयार कर रहे हैं और हम इन्हीं माँ दुर्गा से अपने वरदान मांगेंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे, उन लोगों से मिलाएंगे जो ये मूर्ति में माँ दुर्गा को बनाते हैं ना। भैया कब से बना रहे हैं? मैडम हम करीबन 7 साल से बना रहे हैं, ये तो बचपन से ही लगे हैं इसमें। अच्छा। लेकिन फिलहाल तरक्की में हम आज तक इसी में लगे हैं, माँ दुर्गा की सेवा में। जी मैडम। अच्छा भैया ये बताइए, हम लोग जब इन माता को पंडाल पे देखते हैं तो हाथ जोड़ के ना जाने क्या क्या मांग लेते हैं, बंगला गाड़ी हेन तेन सब कुछ मांग लेते हैं। आप लोगों की जिंदगी में क्या कुछ सुधार होता है ये मूर्ति वगैरह बनाने से? मैडम ये बस माता जी को इसलिए बनाते हैं ताकि हम नाम कमाना चाहते हैं। अच्छा। पैसे तो हमको तो माता रानी दे ही देंगी, कभी ना कभी भविष्य तो बदलेगा ही, इसलिए हम जनता के बीच में ले चलते हैं ताकि हम कुछ नाम कमा ले माता रानी। कितने दिन में भैया तैयार होती हैं मूर्तियां, जैसे ये 1, 2, 3 ऐसे मूर्तियां, एक मूर्ति कितने दिन में तैयार? एक मूर्ति तो मैडम हम करीबन 10 दिन में तो तैयारी कर लेते हैं, लेकिन सभी माता रानी को तैयार करने के लिए हमको करीबन 2 महीने तो लगे जाता है। अच्छा जी मैडम। एक मूर्ति दो में ये एक मूर्ति करीबन 15 दिन। अच्छा। लेकिन सभी लोगों को तैयार करने में हमको 2 महीने लग जाते हैं। एक बात बताइए भैया, जैसे बारिश का मौसम है, आप ये पुआ मतलब प्लास्टिक में माता जी को रख रहे हैं, बारिश होती है तो डर होता है कहीं छू जाएगी मूर्ति ना खराब हो जाएगी? डर तो लगता है मैडम, डर तो इतना लगता है कि एक भी बूंद छू जाएगा तो मूर्ति का ज्यादा से ज्यादा छू तो पानी जाएगा, लेकिन ये डर लगता है कि कहीं मुंह पे छू जाएगा या हाथ पे छू जाएगा, तो इसके लिए मिट्टी गल जाता है और फिर मिट्टी लगाने में हमको बहुत समय ले लेता है। जी। और दूसरा वो अलग से उभरा हुआ दिखता भी है। उभरा हुआ दिखता है, अच्छा भी नहीं लगता है, उसको सुधारने के लिए हमको इनके सेवा में दिन रात लगना पड़ता है। अब जब इसमें लग जाते हैं तो पूरा तन मन दिल से लगाते हैं, ये नहीं है कि हम कहीं चलो मजदूरी कर ले और कर ले, नहीं, जब इसमें लग जाते हैं इन्हीं के सेवा में रहते हैं। तो नवरात्रि के कितने दिन पहले से मूर्ति की तैयारी शुरू हो जाती है? नवरात्रि के वही 3 महीने पहले से तैयारी करते हैं और नवरात्रि जैसे 8 दिन 4 दिन रह जाता है तब इनको हम सेवा में लग जाते हैं, इनको सिंगार देने में। अच्छा जी। अब इनका सिंगार शुरू हो रहा है? जी, अब इनका सिंगार देंगे हम, जितना हम लगा दें माता रानी को इतने सजाएंगे ताकि देख हमको भी देखने वाले भी साक्षात लगे ये कि हाँ कोई बनाया है। भाई आपको दिखाते हैं मूर्ति, भैया आगे गढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा, कितना मूर्ति तैयार किए हैं भैया? फिलहाल मैडम अभी तो हमको करीबन 20-25 दिन लगा हुआ है। नहीं अभी कितना मूर्ति इसमें तैयार किए हैं? फिलहाल इसमें 10 ही है, 1-2 बाहर है। अच्छा जी, ये भी दिखाइए, ये मूर्तियाँ यहाँ पे तैयार हो रही। तो मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी मैडम सब हम घर से ही लाते हैं, अपने ही खेतों से, और कुछ मिट्टी हम बहुत दूर से लाते हैं। जी मतलब आप 10 साल से ये काम कर रहे हैं? जी। तो कुछ फायदा है भैया इसमें कि मतलब बस नाम कमाने के नाम लिए? फायदा है मैडम, लेकिन हम ज्यादा कर इनमें हम नाम कमाने के लिए करते हैं ताकि हमारा समाज में नाम हो, गांव घड़ा हुआ दोस्त तैयार हुए तो सब ये कहे कि हाँ भाई तू बनाता है, तो सब हमारे गुरु भी है। अभी इसमें हमारे गुरु डुमरी में है राम प्रवेश नाम से, तो वो कहे कि चलो भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें बढ़ा रहे हैं,
तो हमारा आधा सपोर्ट वो देते हैं, बचपन से उन्हीं के आसपास घूमते रहते हैं, कहते हैं भैया हमको भी सिखा दो, तो कहते हैं कि तू अपने बल पर खड़ो, तू हाँ तो तू अपने बल पर खड़ा हो, हम तुझे सपोर्ट देंगे। भर ये नहीं है कि हम तुम्हें हाथ पकड़ कर सिखाएं, नहीं, तुम्हें देखना है तो देखो और तुम अपने खुद पैर पर खड़ा हो जैसे हम लोग खड़े हैं। जी मैडम, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जब आप इस दुर्गा माता की इस मूर्त को देखेंगे तो इसमें आपको साफ ये जो नाक है, नाक ऐसे साफ बनी दिख रही है, ओट ऐसा लग रहा है कि अभी बोल ही देगी। मैं एक तैयार मूर्ति की तरफ आपको ले चलती हूँ। जब आप उस तैयार मूर्ति को देखेंगे, देखिए ये भी मूर्ति तैयार हो रही है, पर मुझे लगता है ये इस मूर्ति के बारे में हम बात करेंगे। इनकी ओट की लाली जो है उससे ये लग रहा है कि ये माता अभी कुछ बोल ही देंगी, अभी हमारी ज़िंदगी में जो आने वाली समस्याएं हैं उसके बारे में हमें बता ही देंगी। इस मूर्ति को देख के ऐसा लग रहा है, इनकी आँख को देख कर ऐसा लग रहा है कि ये हमको देख रही हैं और हमारे अच्छे और बुरे सब कर्म जो है वो नोट हो रहे हैं ऊपर। तो जो लोग थोड़ा गलत वलत काम कर रहे हैं उनको बड़ा डर लगेगा इस आँख से, जो हम कुछ गलती किए रहते हैं तो जैसे माँ की आँख को देखकर हम समझ जाते हैं कि माँ गुस्सा कर रही हैं या माँ हमारी गलती पकड़ ली है, वैसा ही कुछ लग रहा है इस आँख को देखकर। और ये अभी मूर्ति तैयार ही हो रही है, ये शेर तैयार हो रहा है, हम चल ये देखिए ये दांत। असल में अगर ये यहाँ पर होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसको छू ले या देख ले। ये एक मूर्ति है, ये किसी एक मूर्तिकार की मेहनत है। हम आपको दिखाते हैं बाहर मूर्ति तैयार भी हो रही है, मतलब वो मिट्टी जो किसी काम की नहीं है। अब गिर ना जाओ, वो गिरा मत देना। उस मिट्टी को देखिए, भैया जो है यहाँ पर रूप रंग दे रहे हैं माता का। क्या तैयार कर रहे हैं भैया? नवरात्रि का माता रानी का ये भी है जी। ये कितना दिन हुआ इसको तैयार करते हुए? 3-4 दिन हुए मैडम। करिए भैया कुछ, देखा जाए हम लोग भी तो कैसे तैयार। ठीक है मैडम, इनको ये लगा देते हैं मिट्टी हम, ताकि इनको लेपल में ले लें ताकि कहीं खरविधा ना लगे, ये बराबर लगे इनको प्लेन करने में हमको लग जाता है। जी मैडम, इतना प्लेन मिट्टी होती है भैया? ताल वाली होती है क्या? नहीं मैडम, ये हम लाए हैं अपने खेत से। अच्छा, ये भी मिट्टियाँ हैं ये, लेकिन थोड़ा प्लेन करने के लिए जी, ये अपने ही खेत की मिट्टियाँ हैं। अच्छा, और जो इनको लेपन करने के लिए लाते हैं वो हम नदी से लेकर आते हैं। अच्छा, इसमें हम करमैनी नदी से लेकर आए हैं जी। देखिए आप ऐसे समझिए कि इन मूर्ति को बनाने वाले जो मूर्तिकार हैं उनको आप दिखाइए, ये अभी भी झोपड़ी में ही रह गए हैं। और बड़े बड़े पूज्यपति लोग और बड़े बड़े अमीर लोग जो है इन माता से वरदान मांगते हैं, पूजा पाठ करते हैं और माता उनकी सुन भी लेती हैं, उनके पास समृद्धि आ जाती है, पैसा आ जाता है और ऐशो आराम आ जाता है। लेकिन इन मूर्ति को गढ़ने वाले जो मूर्तिकार हैं, जो माता का रूप देते हैं, मिट्टी से एक माँ बना देते हैं, उनकी ज़िंदगी अभी भी झोपड़ी में ही बीत रही है ना भैया? 10 साल से आप बना रहे हैं? जी मैडम, ये करीबन 10 साल से बना रहे हैं अभी तक। अभी मैडम कुछ फिलहाल बदला नहीं है हम, लेकिन इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। घर कहाँ है भैया? घर हमारा यही है। अच्छा, यही घर ही है? घर है यही, हमारा सब कुछ है। देखिए आस्था पे सवाल तो नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बस दिखाना चाहती हूँ कि जो लोग इतना मेहनत करके मूर्ति बनाते हैं उनकी ज़िंदगी नहीं बदल रही है भैया। कब से आप ऐसे झोपड़ी में रह रहे हैं? हम इस झोपड़ी में मैडम करीबन बचपन से ही बिता रहे हैं इस तरह जी। एक मूर्ति कितने की बिकती है भैया? मूर्ति मैडम कोई ज़्यादा कीमत साइज के हिसाब से चलती, छोटी है तो करीबन 3,000-3,500 रुपये और बड़ी साइज है 5,000-7,000 और एक मिट्टी का साड़ी वाला है तो 7,000 से 8,000 तक, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, मूर्ति की हाइट के हिसाब से दाम लगती है। बारिश में भैया रात भर नींद तो नहीं आती? नींद नहीं आती है कि कब खुल जाए कि हमको फिर से ढांप दें। ये मनाते हैं कि बारिश हो लेकिन हौका बारिश उतना भी ना चले कि बौछार ना जाए, माता रानी भीजे ना जी। समझिए कि 3 से 4 महीने की मेहनत वो 1 मिनट की बारिश पूरा बर्बाद कर सकती है। अब अगर ऐसे बारिश हुआ और हवा चली तो ऐसे बौछार जब पड़ता है तो मूर्ति पर अगर थोड़ा भी पानी पड़ा तो वो पॉलिश उतर जाएगा और मिट्टी हो जाएगी खराब, मूर्ति पूरी बर्बाद, पूरी मिट्टी हो जाएगी बर्बाद। और उसके बाद माता रानी को हमको फिर से सही करना पड़ेगा, फिर वही समय लेगा 10 दिन। तो इसलिए हम इतना बनी हुई मूर्ति जितना मेहनत लगता है खराब हुई मूर्ति जितना थोड़ा खराब हो गया है। अब माता रानी को तैयार कर दिया गया है, अगर उस पर अगर बौछार मार दे धुल जाए उसका कलर, मिट्टी भी धुल जाए,
तो जितना समय लगता है उससे कहीं ज्यादा समय हमको लग जाएगा उनको सुधारने में। करीबन फिर वही सेप देना है, जो एक बार बन जाता है तो उसको उतारने में समय ले लेता है, करीबन 5 से 7 घंटे तो ले ही लेते हैं एक मूर्ति में। ये भी लड़का बनेगा पत्रकार, ये तब से रिकॉर्ड कर रहा है हमारी बातचीत। हम आपको दिखा रहे थे, नवरात्रि आ रही है तो हम आपको दिखा रहे हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी मूर्तियां हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आप लोग तो बहुत मेहनत करते हैं जी, मानना पड़ेगा, इनकी कलाकारी दिखाइए। और भैया का मन है कि भैया को फेमस किया जाए, तो वीडियो शेयर करके भैया को फेमस किया जाए। भैया आपकी मेहनत है, मेहनत। क्या नाम भैया आप अपना बताइए? जी परशुराम। अच्छा परशुराम जी, यहाँ इसका जगह का लोकेशन बता दे, कोई मिलने आ जाए आपसे तब। ग्राम बनगाई टोला मतरा थाना गुलहरिया। ठीक है भैया, गुलहरिया के हैं और अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो जरूर आइएगा। मूर्ति के साथ विदाई लेते हैं, जय माता दी।